अस्सलाम वालेकुम जी। थर्मिस्टर्स, थर्मिस्टर जनाब दो अल्फाज से मिलके बना है, थर्मल प्लस रेजिस्टर। ये हीट सेंसिटिव कह लीजिए या टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर्स हैं। एक ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है टेम्परेचर चेंज होने से, इसे आप हीट सेंसर भी कह सकते हैं। ये हीट को सेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम फिजिक्स में लफ्ज सेंसर अक्सर इस्तेमाल करते हैं, सेंस करने वाला। सेंसर हमारे पास क्या होता है? ये वो फिल्मों वाला सेंसर बोर्ड है, वो भी इसी तरह से कुछ ना कुछ सेंस करके उसको एडिट करता है, काट देता है। फिजिक्स में सेंसर क्या है? सेंसर वो है जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेंस करके इलेक्ट्रिकल चेंज में कन्वर्ट करता है। याद रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो तो सोर्स ऑफ करंट है। ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेंस करता है और उसकी बेस पर पोटेंशियल चेंज कर देता है या करंट को कंट्रोल करता है एट द कॉस्ट ऑफ एनी ऑफ द नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। ये सेंसर है। लाइट सेंसर हमारे पास होता है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है, उससे हम रेजिस्टेंस बनाते हैं, एलडीआर बनाते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये हीट डिपेंडेंट रेजिस्टर है जिसे हम थर्मिस्टर कहते हैं जी। ऐसे प्रेशर सेंसर भी हमारे पास होते हैं, ये टेम्परेचर सेंसर है। तो इसके इस्तेमालात क्या है जनाब, आपको नजर आ रहे हैं, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो ये जनाब हीट सेंसर या टेम्परेचर सेंसर के तौर पे इस्तेमाल होता है। जब टेम्परेचर चेंज होता है, इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंट्रोल करता है एट द कॉस्ट ऑफ एनी ऑफ द नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज, जो भी कोई सेंसर होगा। और ये जो थर्मिस्टर है, ये टेम्परेचर चेंज होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंट्रोल करेगा। तो ये वहां पे इस्तेमाल होता है थर्मिस्टर, जहां पे आपने हीट की बुनियाद पे, टेम्परेचर की बुनियाद पे किसी सर्किट को कंट्रोल करना है। ये स्मोक डिटेक्टर में इस्तेमाल होगा, फायर अलार्म में इस्तेमाल होगा और ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल सर्किट्स में। ये जो कहते हैं ना, अगर लूमा लगी हैं फलाने दियाँ, वो जो लूमे हैं जनाब, वहाँ पे टेम्परेचर खासा ज़्यादा होता है। तो वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए मशीनों का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से ऊपर जब जाएगा तो कट ऑफ कर देगा। एसी में थर्मिस्टर लगा होता है, वो टेम्परेचर कंट्रोल करके इतने टेम्परेचर पे आप सेट कर देते हैं, वो बंद कर देता है। उसके बाद फ्रिज में लगा हो सकता है, आपके लैपटॉप में लगा होगा कि जब उसकी हीट एक लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो वो शट डाउन कर देगा या आपको मैसेज देना शुरू कर देगा, बीप देना शुरू कर देगा। तो वो टेम्परेचर को सेंस करके इसकी रेजिस्टेंस में तब्दीली आ सकती है ना। यानी थर्मिस्टर कैसे होंगे, बनाए कैसे जाएंगे? सरामिक मटेरियल में कोई और मटेरियल मिक्स किया जाएगा। हर मुख्तलिफ तरह के थर्मिस्टर्स आपको मिलेंगे। तो दो तरह के थर्मिस्टर मोस्टली, दो तरह के ही हो सकते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले थर्मिस्टर आपको मिलेंगे। सिरामिक मटेरियल में अगर आप कोई मेटल मिक्स कर दें, मेटल, हर मेटल अपनी जात में बजाते खुद एक थर्मिस्टर है। क्यों? क्योंकि मेटल का टेम्परेचर चेंज करें, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया, ये टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी मेटल की। लेकिन उसमें उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आमतौर पे थोड़ा होता है, कम ज्यादा हो सकता है। आपने अपनी मर्जी का थर्मिस्टर डिजाइन करना है कि आपको कौन सा, किस टाइप का थर्मिस्टर चाहिए, कितने टेम्परेचर रेंज में आपने इस्तेमाल करना है। जहां पे मशीन का टेम्परेचर ज्यादा होने पे बंद करना है मशीन को, वहां पे आपको चाहिए कोई 50-60 तक, 40 टेम्परेचर तक काम करने वाला एसी में काम कर लगाना है आपने, वहां पे आपको 15 से लेकर 35 टेम्परेचर की रेंज में काम करने वाला चाहिए। तो सिरामिक मटेरियल में अगर तो आप कोई मेटल मिक्स कर देंगे तो ये मेटल का चूंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला थर्मिस्टर आपको मिलेगा। कैसे? सिरामिक प्लस मेटल। तो जब आप उसी सिरामिक मटेरियल में सेमी मेटल, ये मैं आगे करके लिख देता हूँ, आप सेमी मेटल मिक्स करेंगे, सेमी मेटल मतलब सेमी कंडक्टर, तो आपको मिलेगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला थर्मिस्टर। तो आपने अब उसका
जो थर्मिस्टर आपने डिजाइन करना है, बनाना है, उसका टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना रखना है, बहुत ज्यादा रखना है, बहुत कम रखना है, तो वो आप उसकी रेशो कितनी मिक्स करेंगे और कौन सा मटेरियल मिक्स करेंगे। एक के ही अंदर एक से ज्यादा किस्म के मटेरियल भी मिक्स हो सकते हैं, आप निकल और कोबाल्ट दोनों भी मिक्स कर सकते हैं, साथ में आयरन भी मिला सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि आपको कैसे करेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो जनाब जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला थर्मिस्टर है, ये एक और जगह पे इस्तेमाल होगा जब इलेक्ट्रोलिसिस में आप करंट लीड्स इस्तेमाल करते हैं या किसी और गैस डिस्चार्ज ट्यूब में करंट लीड्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें से करंट गुजरता है, तो अब वो करंट लीड्स जो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड होते हैं, वो आमतौर पर मेटल के बने होते हैं, और मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जब उसमें से करंट गुजरेगा तो जनाब हीट पैदा होगी, वो गर्म होंगे, गर्म होके उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट को गुजरने में दुश्वारी का सामना पेश आएगा, तो आपके जो डिवाइस है, जो सेटअप है, उसकी एफिशिएंसी मेंटेन नहीं रह सकेगी जैसे जैसे वो काम करता जाएगा, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो हम इस बात से बचने के लिए क्या करते हैं कि जो करंट लीड्स मेटल की बनी हुई हैं, उनके साथ हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला थर्मिस्टर अटैच कर देते हैं। ये करंट लीड है मेटल की, ये इसके साथ हमने जोड़ दिया, अटैच कर दिया नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला थर्मिस्टर। तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, कंबिनेशन की ओवरऑल रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहेगी। तो दीज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस थर्मिस्टर आर यूज टू मेनटेन द स्टेडी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ करंट लीड्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ मेटल्स, वहां पे भी आप इस्तेमाल होते हैं। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले थर्मिस्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले थर्मिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत कहाँ पे है, आप कहाँ पे इनको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने लो टेम्परेचर मैयर करना है, टू मैयर लो टेम्परेचर्स और एक्सट्रीमली लो बहुत लो टेम्परेचर मैयर करने के लिए कौन से थर्मिस्टर ज्यादा फायदेमंद हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले थर्मिस्टर यूजफुल हैं किसके लिए, लो टेम्परेचर मैयर करने के लिए। वजह, अगर आप पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले टेम्परेचर वाले थर्मिस्टर इस्तेमाल करेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होने से इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस कम होगी, तो टेम्परेचर कम होते 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 हो सकता है कि इनकी रेजिस्टेंस इतनी कम हो जाए कि उसके बाद मैयरेबल ही ना रहे, या चेंज बहुत कम आ जाए, तो ये इफेक्टिव साबित नहीं होंगे। इसकी बजाय अगर आप नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले थर्मिस्टर इस्तेमाल करेंगे तो उनका फायदा ये होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होती जाएगी, ज्यादा रेजिस्टेंस चाहे मिलियन ओम तक चली जाए, वो कोई मसला नहीं है, वो मैयरेबल हो जाएगी आसानी से। और खास तौर पे कि अब दो तरह की सूरत हाल हो सकती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले थर्मिस्टर, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले थर्मिस्टर, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले थर्मिस्टर, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले थर्मिस्टर। जहां पे आपने लो टेम्परेचर मेजर करना है वहां पे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और हाई वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले थर्मिस्टर फायदेमंद हैं। हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि टेम्परेचर में थोड़ी सी तब्दीली आने से रेजिस्टेंस में ज्यादा तब्दीली आएगी, ये सेंसिटिव होते हैं। अगर हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि आपका डिवाइस सेंसिटिव है, मतलब कि थोड़े से टेम्परेचर में तब्दीली आएगी, रेजिस्टेंस में ज्यादा तब्दीली आएगी, थोड़े से टेम्परेचर में तब्दीली आएगी, रेजिस्टेंस में अच्छी खासी तब्दीली आएगी। नतीजा क्या होगा, थोड़े से टेम्परेचर में तब्दीली भी मेजरेबल होगी, ऑब्जर्वेबल होगी। ये नहीं कि टेम्परेचर में बहुत सारी तब्दीली आ जाए और रेजिस्टेंस में थोड़ी सी तब्दीली आ जाए तब टेम्परेचर में थोड़ी सी तब्दीली ऑब्जर्वेबल ही नहीं रहेगी, मेजरेबल ही नहीं रहेगी। तो लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले थर्मिस्टर ज्यादा फायदामंद हैं। तो जनाब ये इस्तेमाल होते हैं, यूजर हमने इनके डिस्कस कर लिए हैं। तो जनाब अब हम आगे चलते हैं, अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब आली, वो है
इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन, इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन। तो बेटा जी पावर तो हम पढ़ चुके हैं, वो जो फर्स्ट ईयर में हमने पावर पढ़ी हुई है, इससे पहले मैकेनिक्स में हमने जो पावर पढ़ी हुई है वो थी जनाब मैकेनिकल पावर। उसमें फोर्स इन्वॉल्व थी, उसमें वर्क इन्वॉल्व था और उसका फॉर्मूला था वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल सिचुएशन में पावर कहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है, क्या कोई पावर है, आइए देखते हैं। ना पोटेंशियल है वी बैटरी का और रेजिस्टेंस है आर, आई करंट गुजर रहा है जनाब 42 सर्किट से, करंट क्यों गुजर रहा है, यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज है जो जाता है जनाब यहाँ पे, यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाता है यहाँ पे, अब यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या इधर से इधर को आएगा या इधर से इधर को जाएगा, इधर से इधर को जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है और यहाँ पे पॉजिटिव कम है। यहाँ से धक्का पड़ेगा, बैटरी फोर्स लगाएगी चार्ज कैरियर पे और उसके नतीजे में वो कोई फासला तय करेगा, बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी चार्ज कैरियर को, बैटरी वर्क करेगी चार्ज कैरियर पर और इस वर्क के नतीजे में ये चार्ज कैरियर मूव करेगा। तो जनाबे आली ये जो वर्क है किसी भी चार्ज कैरियर पर जो किया जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू वर्क या एनर्जी सप्लाइड वर्क या एनर्जी जो चार्ज कैरियर को दी गई है, बैटरी ने दी है, ये किसके बराबर है, चैप्टर 12 में हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, पोटेंशियल कितना है जनाब वी और चार्ज कैरियर कितने हैं जो मूव कर रहे हैं। लेट अस सपोज के डेल्टा क्यू चार्ज कैरियर है जनाब, तो डेल्टा क्यू चार्ज है वी, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू टोटल चार्ज है और वी पोटेंशियल है जिसकी वजह से ये वर्क हो रहा है, तो एनर्जी सप्लाई टू द चार्जेस ये वी डेल्टा क्यू है और जनाब डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा टी टाइम के लिए ये प्रोसेस होता गया, तो पावर क्या होगी, पावर यानी के अब इलेक्ट्रिकल पावर है क्योंकि ये करंट का सबब बन रहे हैं, तो पावर है जनाब वर्क डन पर यूनिट टाइम डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी, यानी वी डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, यानी के ऐसे कर लीजिए जरा सिंपलीफाई करने के लिए, ओए हुए पावर इज द इलेक्ट्रिकल पावर, आप यूनिट वाट ही है, फार्मूला वहीं से निकला है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल पावर को हम लिखेंगे करंट और वोल्टेज के प्रोडक्ट की शक्ल में, आई और वी के प्रोडक्ट की शक्ल में इलेक्ट्रिकल पावर लिखी जाएगी। जनाब कोई भी आप अप्लायंस, अप्लायंस का लफ्ज क्या होता है, कोई ऐसी शय जो बिजली पे चलने वाली है और घरों में इस्तेमाल होती है प्रैक्टिकली, माइक्रोवेव है या जूसर मशीन है, पंखा है, बल्ब है, उसके ऊपर जब आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर पावर लिखी होती है जनाब इतने वाट पावर है। तो हम सिंपल एग्जांपल के लिए फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई शय है जनाब ये 220 वाट पावर पे ऑपरेट होने वाली है, हमारे पास जो आपदा के वोल्ट आते हैं हमारे मुल्क में ये 220 वोल्ट है, इसका मतलब है 220 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 एम्पेयर, तो ये 1 एम्पेयर पे 220 वोल्ट तो सारे अप्लायंस को एक जैसे ही मिलेंगे, ये शय 1 एम्पेयर करंट कंज्यूम करेगी, 1000 वाट की इस्त्री है वो तकरीबन तकरीबन 4 से 5 एम्पेयर के दरमियान में वो करंट लेगी, तो अगर आप 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो जनाब ये कितने एम्पेयर करंट लेगी ताकि वो अपनी पावर मेंटेन कर सके। आप किसी शादी पे जाते हैं, वलीमे पे, शादी पे, सबसे ज्यादा आपका कंसर्न किस बात से होता है, सबसे ज्यादा अहम आपके लिए क्या शय होती है, क्या जी रोटी कदों लगेगी, खाना कब खुलेगा, आप इंतजार करते रहते हैं और जो ही खाना शुरू होता है आप टूट पड़ते हैं ऐसे जैसे दुश्मन की फौज पे टूट पड़ते हैं। अब होता ये है, आप जेन बना के बैठे होते हैं, टारगेट करके बैठे होते हैं कि आज पहले पूछते हैं मेन्यू में क्या है, पता चलता है जी स्टीम रोस्ट है, साथ में जनाब मटन है, साथ में जनाब अली कस्टर्ड है और साथ जनाब ग्रीन टी भी है और वो गुलाबी चाय और कोक तो है ही,
मिनरल वाटर भी है, तो जाहिर बात है मिनरल वाटर की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते। आप पहले टारगेट रखते हैं जनाब के पहले कितना बड़ा आपने स्टीम रोस्ट खाना है, उसके बाद फिर मटन की तरफ जाना है। नान रोटी तो बिल्कुल गुनाह समझे ना, और सलाद को तो दफा ही करें। एंड पे जनाब कस्टर्ड या जो भी खीर वगैरह जो मीठा है वो खा के चंगा सा डकार मार के उसके बाद फिर हम मुतवज्जो होंगे जनाब गुलाबी चाय की तरफ। वो जिन्नी लग गई जो अल्लाह दे। अब ये सारा तो आपका है, लेकिन बाकी लोग भी यही सोच के बैठे हैं। होता ये है कि जो ही आप स्टीम रोस्ट की तरफ जाएं, मसला ये होता है जितने शादी हाल है कि पहला राउंड तो अच्छा आता है डिशेस का, उसके बाद सप्लाई मट्ठी पड़ जाती है। अब आप जब तक उठ के पहुंचते हैं धक्के धुक्के खा के किसी को मार के, तो तब तक स्टीम रोस्ट खत्म हो जाता है। अब आपका तो पहला टारगेट खराब हो गया, क्या करेंगे आप? आराम से आके बैठ जाएंगे कि चलो नहीं लगा तो ना सही? नहीं, आप प्लान बी पे अमल दरामद होगा कि अगर स्टीम रोस्ट कम मिला है उतना हम मटन ज्यादा खाएंगे, अगर मटन भी नहीं मिला तो चले बिरयानी की तरफ चलते हैं, अगर सारा कुछ नहीं मिला तो जग भर के जनाब गुलाबी चाय पी के आ जाए, ताकि जो 1,000 रुपया सलामी का देना है वो तो हम पूरा करके आए ना। तो होगा ये कि अगर एक शहर में थोड़ी घाटा वाधा हो जाएगा, हम वो कमी पूरी करेंगे किसी और से। तो जू ही अगर किसी वजह से गर्मियों में अक्सर ये होता है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, 220 से 200 वोल्ट हो गया जी, 180 190 वोल्ट हो गए, तो होता ये है कि उतने आपके अप्लायंस उतना करंट ज्यादा लेने लग जाएंगे नॉर्मल से। तो या वो करंट नॉर्मल से ज्यादा लेंगे, वोल्टेज कम हो जाएंगे, प्रोडक्ट पावर वो अपनी उतनी मेंटेन रखेंगे, पावर उन्होंने उतनी ही कंज्यूम करना है जितनी उनकी रेटिंग है जिसके लिए उन्हें डिजाइन किया गया है। तो अगर पोटेंशियल कम मिलेगा, वोल्टेज कम मिलेगा, वो करंट उतना ज्यादा ले लेंगे, पावर मेंटेन रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खाना बिल्कुल ही ना मिले और आप कोक पी के और ग्रीन टी पी के ही डकार मार लें, उससे डकार नहीं आना, पेट पूजा नहीं होगी अच्छी तरह से, गुस्सा निकल जाएगा जरा। तो ये नहीं होगा कि पोटेंशियल आपका 10 गुना कम हो जाए तो करंट 10 गुना ज्यादा हो जाए, तो विद इन 10 to 20% वेरिएशन में ये फार्मूला काम करेगा इफेक्टिवली। उसके बाद फिर डिवाइस की एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाएगी। तो जनाब पावर का एक फार्मूला आई वी है, हम ऐसा करते हैं कि वी इज इक्वल टू आई आर, वी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो पी इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। एक फार्मूला ये था जब हमने V इज इक्वल टू आई आर V की वैल्यू पुट की, दूसरा फार्मूला ये बन गया। अब ये करते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V ओवर आर, आई इज इक्वल टू V ओवर आर। अब आई की वैल्यू इसी इक्वेशन वन में आई की वैल्यू पुट करते हैं V इंटू आई की जगह पे क्या है V ओवर आर, तो दिस इंप्लाइज दैट पावर इज इक्वल टू V स्क्वेयर ओवर आर। ये भी पावर का ही फॉर्मूला है, यूनिट और डायमेंशन सेम निकलेंगे। अब कौन सा फार्मूला कब इस्तेमाल होना है डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। किसी जगह पे पावर कंजम्पशन हो रही होती है, पावर कंज्यूम हो रही होती है आई और वी की वजह से, कहीं पे रेजिस्टेंस की वजह से, कहीं पे करंट का ज्यादा हिस्सा होता है पावर कंजम्पशन पे, वो जैसे जैसे हम बात आगे चलाएंगे अंदाजा होता जाएगा कि पावर डिसिपेशन किस वजह से हो रही है, पावर डिसिपेशन या पावर कंजम्पशन किस वजह से हो रही है। तो पावर के, इलेक्ट्रिकल पावर के ये तीनों फार्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं, तो जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी। तो जनाब यहाँ तक आज की बात हमारी खत्म होती है, तो मिलते हैं जनाब अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।